रियान पराग जो अक्सर ही चर्चा में रहते हैं अपने एटीट्यूड के चलते, जहां सोशल मीडिया में फैंस ने उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया है। आज धोनी के सामने क्या किया है रियान पराग ने ऐसा, जहां वो एक बार फिर से चर्चा में आ जाएंगे। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। हालांकि आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत मिली है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, और उस जीत के साथ दूसरे पायदान पे खत्म किया है अपने इस सीजन के लीग स्टेज को, और बन चुके हैं पहले क्वालिफायर में खेलने वाले गुजरात टाइटंस के सामने वो खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स की टीम आज देवदत्त पार्टिकल नहीं चलते हैं, संजू सैमसन नहीं चलते हैं, जॉस बटलर नहीं चलते हैं, वहां पे युवा यशस्वी जयसवाल और रविचंद्रन अश्विन की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते जो टोटल था 151 का, कहीं ना कहीं वो टोटल जो मुश्किल था वो टोटल को भी अंततः आसान बना दिया अपनी बढ़िया बल्लेबाजी के चलते वहां पे जयसवाल ने और रविचंद्रन अश्विन ने। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे रियान पराग की, जो भाई साहब अभी नए नए खिलाड़ी हैं और अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के कारण काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। आज बता दिया जाए क्या किया है धोनी के सामने वहां पे, जहां 19वें ओवर की दूसरी गेंद थी वो, जब मुकेश चौधरी थे गेंदबाजी पे, मुकेश चौधरी ने गेंद डाली, रियान पराग ने बल्ले से शॉट लगाया, रियान पराग वह रन लेने के लिए भाग रहे थे और मुकेश चौधरी जो है अपने फॉलो थ्रू के बाद, जी हाँ अपने फॉलो थ्रू के बाद वहां पे बीच में आ गए कहीं ना कहीं रियान पराग के, और थोड़ा सा हटके वहां से जाना पड़ा उन्हें, और जब वो रन कंप्लीट किया तो रियान पराग मुड़ के आए और मुकेश चौधरी की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा और कुछ एक दो बातें भी बोली वहां पे रियान पराग ने। ये तो बात जाहिर है, ये बात स्पष्ट है कि रियान पराग का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। जहां रियान पराग ने आज से कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट भी दी थी कि वो आने वाले समय में भारत के लिए बेस्ट फिनिशर बनेंगे, बाकी खिलाड़ी कहते हैं हम बन सकते हैं, ये कहते हैं मैं बनूंगा, जबकि पिछले 2-3 सीजन से जब राजस्थान रॉयल्स के खेमे ने इनको लगातार चांसेस दिए हैं, उन चांसेस पे उतने खास और उतने निरंतर नहीं परफॉर्म कर पाए हैं रियान पराग। यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स आनी, और एक मुकाबले में हमने देखा कैच पकड़ने के बाद गेंद को जमीन से घिसना, अंपायरिंग को कहीं ना कहीं ट्रोल करना, अपने ही टीम के साथी खिलाड़ी ओबेट मैकॉय को ट्रोल करना, उन्हें स्लेज करना, रियान पराग से ये चीजें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। और आज हमने एक बार फिर से देखा जहां वो सिंगल लेने के बाद जब उन्होंने मुकेश चौधरी को बोला तो अश्विन भी उससे थोड़ा सा चंबित थे, और धोनी के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं हल्का सा एक एक्सप्रेशन जरूर था। हालांकि माही जो है वो कैप्टन कूल रहते हैं, उनकी तरफ से ज्यादा एक्सप्रेशन आते नहीं है, लेकिन रियान पराग ने बल्ले के साथ कुछ खास तो किया नहीं आज, जहां पे अंत में आके अश्विन के साथ एक फिनिशिंग नॉक खेली और उस मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताया जरूर अंत में। लेकिन यहाँ पे रियान पराग के एटीट्यूड की बात हो रही है, आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय, रियान पराग का ऐसा बिहेवियर उन्हें ठीक करना चाहिए, अगर हाँ तो कितनी जल्दी कर ले उनके लिए रहेगा बेहतर। और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें YouTube पे, फॉलो कर लीजिए Facebook पे, जानने के लिए IPL और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट वो भी सबसे पहले।